फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SKH रेवोल्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम राज्यसभा टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो सब हम यहां पर एक साथ कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पिछले सेशन के अंदर हमने राज्यपाल टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है MCU के अंदर किया था, तो उसमें थोड़ा आंसर के अंदर आपको करेक्शन करना है। तो क्वेश्चन था, राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की जाती है। तो क्वालिफिकेशन जो है कौन सी है गवर्नर के लिए, वो यहाँ पर हमें बतानी थी। फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो है दी हुई है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड जो है वो है वह 35 ईयर की आयु जो है वो पूरी कर चुका होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन था इसमें कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया गया है। तो यहां हमने जो क्वेश्चन का आंसर किया था वो था 1 और 2 ओनली, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा तीनों ही, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित भी नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया गया है। बाकी तो फर्स्ट तो है ही कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है वो 35 ईयर पूरी हो जानी चाहिए, और वह उस राज्य से संबंधित भी नहीं होगा जिस राज्य के अंदर उसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप करेक्शन जो है वो कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर। क्वेश्चन है, राज्यसभा में होती हैं, राज्यसभा जो है किससे कंसिस्ट होती है ये हमें यहाँ पर बताना है। 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करती हैं, यानी कि 280 मेंबर टोटल होती हैं, उसके अंदर से 20 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करती हैं प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट। सेकंड ऑप्शन जो है वो है 275 मेंबर होती हैं और उनके अंदर से 18 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करती हैं, या फिर 250 मेंबर होती हैं और उसके अंदर 12 मेंबर जो होती हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखा है कि 252 सदस्य जिसके अंदर 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कौन सा इसके अंदर सही आंसर होगा, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्य जो है वो मनोनीत करते हैं और टोटल सदस्य जो है यहाँ पर कितने हैं वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा 250 सदस्य और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करती हैं राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा। तो यहाँ पर हमें राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो हम किस प्रकार से करते हैं, किस बेस पे करते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा उनकी जनसंख्या के रेशियो में हम यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो नामांकित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है वह कितना होता है, ये हमें बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, क्या वो 5 वर्ष होगा या फिर 6 वर्ष, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी का कार्यकाल जो है वो 5 ईयर होता है। तो यहाँ पर राज्यसभा का जो कार्यकाल क्या 5 वर्ष होगा या फिर 6 वर्ष, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वहीं पर लोकसभा के जो सदस्य होती है उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अनुच्छेद 83(1) के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि राज्यसभा जो है वो विघटित नहीं होती है, राज्यसभा को हम विघटित नहीं कर सकते हैं, यानी राज्यसभा विल नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को डिसॉल्व या फिर विघटित जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन होता है, यानी कि ये परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, एक स्थायी सदन जो है कहलाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा के अंदर क्या होता है, 1/3 जो मेंबर होती हैं
हर जो है सेकंड ईयर, हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर होते हैं 1/3 मेंबर। 1/3 मेंबर राज्यसभा के हर सेकंड ईयर में रिटायर होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या था कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो कितना होता है, 6 ईयर होता है। तो राज्यसभा से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी। राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस होता है। सातवीं, राज्यसभा को डिसॉल्व यानी कि इसको विघटित जो है वो हम नहीं कर सकती हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकती हैं। और 1/3 जो सदस्य है वो हर सेकंड ईयर में रिटायर होती हैं इसके अंदर। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। वहीं पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू राज्यसभा, यहाँ पर हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कि इसमें 1/3 जो सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश लेते हैं, यानी कि 1/3 जो मेंबर है वो हर दूसरे साल अवकाश लेते हैं या लीव लेते हैं, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है कि इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश लेते हैं, हाफ ऑफ मेंबर जो है वो लीव लेती हैं हर सेकंड ईयर में। और थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश लेती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि 1/3 सदस्य जो है प्रति 3 वर्ष में अवकाश लेती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पर अभी हमने देखा कि इसमें 1/3 जो मेंबर होती हैं वो हर दूसरे साल जो है वो क्या करती हैं, अवकाश जो है लेती हैं, रिटायर हो जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है, यहाँ पर करेक्ट कौन सा कथन है ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा डिसॉल्व जो है नहीं होती है। और ऑप्शन फर्स्ट ही हमें यहाँ पर सही लग रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा क्या होती है, एक परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है, और इसको विघटित जो है नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा जो है उसको विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है, यानी कि यहाँ पर सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है कि कौन सा राज्यसभा से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है कि राज्यसभा का विघटित नहीं होता है, राज्यसभा इज नॉट डिसॉल्व। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि राज्यसभा जो है वो क्या है, एक परमानेंट हाउस होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर हम देखें लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा के अंदर क्या होता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, वो एक परमानेंट हाउस नहीं होता है। लोकसभा को विघटित कौन करता है, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटित करते हैं, लेकिन राज्यसभा को किसी के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, हाउ मैनी पर्सन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, कितने सदस्यों को नॉमिनेट करती हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 12 सदस्य, टोटल 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य नॉमिनेट करती हैं वो कहाँ से लिए जाती है, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो कला, साहित्य, खेल, सहकारिता, समाज सेवा, यानी कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट जो है राज्यसभा से संबंधित साथ साथ में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि राज्यसभा जो सदस्य होते हैं इनकी आयु सीमा जो है वो कितनी होती है, न्यूनतम आयु सीमा 30 ईयर होती है, 30 ईयर इनकी आयु सीमा होती है। लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा के अंदर 1/3 सदस्य हर 2 साल के अंदर रिटायर होते हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है,
प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के सदस्य के लिए नामांकित की गई, फर्स्ट एक्ट्रेस हु वाज दी नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट वुमेन जो है उसके बारे में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि फर्स्ट अभिनेत्री जो है, फर्स्ट एक्ट्रेस जो है वो कौन थी, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा यहाँ पर नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो है वो पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। अगर हम जयललिता की बात करें तो जयललिता सेकंड नंबर जो है राज्यसभा सदस्य बनी थी, और वैजयंती माला जो है वो क्या है, थर्ड नंबर की राज्यसभा की सदस्य बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स इफ द गवर्नमेंट इज डिफीटेड इन द राज्यसभा। तो यहाँ पर हमें सही आंसर बताना है कि अगर गवर्नमेंट जो है राज्यसभा के अंदर हार जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है हमारा यहाँ पर, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, प्राइम मिनिस्टर गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर। सेकेंड है, संसद भंग हो जाती है यानी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, प्रेसिडेंट रूल कम्स इनटू फोर्स। लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो घटित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर हैपन नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राज्यसभा के प्रति सरकार उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस कंडीशन में पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि उसको भंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन लोकसभा के प्रति जो है सरकार उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ राज्यसभा का बारे में यहाँ पे बताना है। राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त होता है, यानी कि स्पीकर ऑफ राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो है, संसद के द्वारा चयनित होता है, यानी कि स्पीकर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो इलेक्टेड होती हैं पार्लियामेंट के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या एक्स ऑफिस को प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पर। लास्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है राज्यसभा के स्पीकर को, इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार रिपीट होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए उपेक्षित न्यूनतम आयु जो है वो बतानी है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शंस टू राज्यसभा इज। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 25 ईयर, सेकंड ऑप्शन जो है वो दिया है कि 30 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 32, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो 35 ईयर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बताओ क्या होगा, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 30 ईयर। राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम एज जो है वो कितनी होती है, 30 ईयर होती है, वहीं पर 25 ईयर एज जो है वो किसकी होती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी एज कितनी होती है, 25 ईयर होती है। प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे देश के, प्राइम मिनिस्टर, उनकी एज भी कितनी होती है, 25 ईयर होती है, यानी लोकसभा के सदस्य और प्रधानमंत्री दोनों की एज जो है कितनी होती है, 25 ईयर होती है। राज्यसभा के सदस्यों की कितनी होती है, 30 ईयर होती है, और 35 ईयर हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की एज जो है कितनी होती है, 35 ईयर होती है, ये आप ध्यान रखना। राज्यसभा यानी कि लोकसभा की एज 25 है, राज्यसभा की 30 ईयर है, राष्ट्रपति की 35 ईयर है। साथ में हम देखें, अगर संसद की बात करें तो संसद जो है टोटल यानी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर राष्ट्रपति और दो सदन जो है उनसे मिलकर संसद यानी पार्लियामेंट जो है वो बनता है, राष्ट्रपति और दो सदन। अगर दो सदन की बात करें तो एक होता है निचला सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं, लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, एक अपर हाउस होता है यानी उच्च सदन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं।
लोकसभा को विघटित किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा, राज्यसभा धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तत्पश्चात जो है इसके बाद में क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। यानी कि अगर राज्यसभा मनी बिल के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करती है तो क्या घटित होगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। यानी कि राज्यसभा जो है वो अपनी मर्जी है उसकी कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, किसकी रिकमेंडेशन को, राज्यसभा की रिकमेंडेशन को, राज्यसभा की सलाह को। मे टेक फर्दर एक्शन ऑन दी बिल, और आगे की कार्रवाई करेगी। सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, लोकसभा जो है वो कोई भी आगे फर्दर जो है उसमें कोई भी कंसिडर जो है नहीं कर सकती, या फिर कोई भी उस पर विचार जो है नहीं करेगी। थर्ड ऑप्शन है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, यानी कि जो विधेयक राज्यसभा ने भेजा है उसको वापस राज्यसभा के पास भेज सकती है पुनर्विचार के लिए। राज्यसभा, लोकसभा कैन रिटर्न द बिल द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, वापस से उसका जवाब मांगने के लिए यहाँ पे वापस भेज सकती है। लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। द प्रेजिडेंट कैन कॉल ए जॉइंट सीटिंग टू पास द बिल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बताना है क्या होगा, कि राज्यसभा धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक की यहाँ पे बात हो रही है कि राज्यसभा ने अगर उसके अंदर कोई भी संशोधन कर दिया है तो लोकसभा जो है वो क्या करेगी उसके ऊपर, क्या उसके ऊपर वो अपना विचार देगी, यानी कि वो राज्यसभा को वापस लौटाएगी या फिर उसके आगे की कोई कार्यवाही जो है वो करेगी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि राज्यसभा के प्रति अगर हम देखें, राज्यसभा सिर्फ ओनली मनी बिल पर अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, अपनी एडवाइस दे सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी संशोधन जो है वो नहीं कर सकती। लोकसभा जो है वो अपनी मर्जी है, वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या रिजेक्ट करे, और उसके विधेयक के बारे में आगे की कार्यवाही जो करने का काम है वो लोकसभा का है, लोकसभा पे डिपेंड करता है। और ये आर्टिकल 1092 के अंदर ये बात कही गई है कि राज्यसभा जो है इस पर कोई भी अधिकार नहीं है मनी बिल के अंदर संशोधन करने का, लेकिन जो है धन विधेयक के बारे में लोकसभा को पूरा अधिकार जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ, राज्यसभा इन विच ईयर राज्यसभा वाज फर्स्ट फॉर्म जो है, यहाँ पे सही आंसर जो है बताना है कि फर्स्ट टाइम राज्यसभा का गठन जो है वो कब हुआ, किस वर्ष में सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1952 के अंदर, 1952 के अंदर राज्यसभा का गठन जो है वो हुआ। राज्यसभा के बारे में अगर हम देखें तो राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 250, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा गया है। तो मैक्सिमम संख्या जो है वो याद रखना, राज्यसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 होती है। अगर इसमें 12 सदस्य जो है वो कौन मनोनीत करती हैं, राष्ट्रपति यानी हमारे देश के प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को मनोनीत करती हैं जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा सहकारिता के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 ईयर होती है और कार्यकाल 6 ईयर का होता है। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल ये डेट भी याद रख लेना, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा के गठन जो है वो हुआ था। लेकिन अगर इसकी पहली बैठक के बारे में पूछे तो 13 मई को पहली बैठक हुई थी, 13 मई 1952 को पहली बैठक जो है इसकी हुई थी, लेकिन गठन जो है वो कब हुआ, 3 अप्रैल को हुआ गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य है होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्पाइट बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, यानी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा वो इस फील्ड एक्सपर्ट हो, कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट हो। सेकेंड ऑप्शन है राज्यसभा के उपसभापति जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
थर्ड ऑप्शन है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, यानी कि मिनिस्टर हु इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। लास्ट ऑप्शन है राज्यसभा में सदन का नेता जो होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर कौन जो है, कौन सा सदस्य जो है राज्यसभा का सदस्य होने के बावजूद राज्यसभा की, सॉरी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यह भंग नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। सेकंड ऑप्शन है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका टेन्योर जो है वो कितना होता है, 5 ईयर का होता है। थर्ड ऑप्शन है कि इसके 1/3 सदस्य जो है 2 साल के बाद रिटायर होती हैं। लास्ट ऑप्शन जो है वो है इसके सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि सॉरी इसके सदस्यों की जो मिनिमम एज है वो कितनी होती है, 25 ईयर से मतलब के नहीं होंगे, इट मेंबर सेल नॉट बी लेस देन 25 ईयर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप बताओ, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स हमने काफ़ी जो है पीछे डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऑप्शन फर्स्ट ए करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 ईयर का होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 ईयर का होगा। सी ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर कि इसके 1/3 सदस्य जो है 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी, तो ये करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है कि इसके सदस्य 25 ईयर से कम आयु के नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके सदस्य जो है वो 30 ईयर से कम आयु के नहीं होंगे, 25 ईयर की आयु से कम तो कहाँ के सदस्य, लोकसभा के सदस्य या फिर प्रधानमंत्री जो है वो 25 ईयर से कम आयु के नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर बात होती है तो 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये लिखा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ भी क्या है, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो होगा यह भंग नहीं किया जा सकता है, और इसके जो सदस्य है वो हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।